तो सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तनाव है हर जगह पर, और दिल्ली से खबर है जहां पर सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर निकल आए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, केजरीवाल की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी। इस वक्त की बड़ी खबर, केजरीवाल की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी, सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे हैं जज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होने वाली है और जज पहुंच चुके हैं। 2:30 बजे ये पेशी होने वाली है, सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंची है जज। इस वक्त की बड़ी खबर, दोपहर 2:30 बजे पेशी होने हैं, और इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी और जो जज हैं वो पहुंच चुके हैं। तो रिमांड पर लेने की मांग कर सकती है ईडी, और पेशी होने वाली है आपसे कुछ देर बाद ही। केजरीवाल की जो पेशी होनी है वो राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी, और सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंची जज। बड़ी खबर आपको बताएं, कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल की पेशी होने वाली है, राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी पेश करेगी, और उसके बाद ये खबर है कि ईडी रिमांड के लिए अपनी मांग कर सकती है, और उसके बाद पूछताछ आगे जारी रहेगी। जज कोर्ट पहुंच चुके हैं, और केजरीवाल की जो पेशी होने वाली है वो राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी। बड़ी खबर है आपको बताएं, कुछ ही देर बाद पेशी होने वाली है अरविंद केजरीवाल की। देखना होगा कि ईडी जो मांग कर रही है रिमांड पर लेने की, उस पर कोर्ट क्या कुछ अपना फैसला देता है। और पूछताछ लगातार जारी है। कल रात 9 बजे करीब गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, और लगातार आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इसे साजिश के तौर पर देख रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब कुछ ही देर बाद राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होने वाली है। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी उसे वापस ले लिया गया है, और जो वकील है अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने बताया कि क्योंकि ये रिमांड से टकरा रही है ये पूरी रिपोर्ट, इसी वजह से अपनी निचली अदालत में रुक करेंगे। तो अपडेट देंगे आपको, क्योंकि लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। लेकिन आपको बताएं कि अब कुछ देर बाद सुनवाई के लिए पहुंचने वाले हैं सीएम केजरीवाल को लेकर ईडी पहुंचेगी कोर्ट में, राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। जज पहुंच चुके हैं, और इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी उसे वापस ले लिया है सीएम केजरीवाल की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जमानत को लेकर, हालांकि अब इसे वापस ले लिया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम याचिका वापस ले ली गई क्योंकि रिमांड से टकरा रही थी। अरविंद केजरीवाल को आपको बताएं कल रात गिरफ्तार किया गया है, 9 बार समन भेजा जा चुका था, उसके बावजूद वो पेश नहीं हुए। फिर कल लगातार पूछताछ की गई, 2 घंटे की पूछताछ के बाद फिर गिरफ्तार किया गया। अब आज इसी मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। मनु सिंह भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से रखेंगे, क्योंकि सीनियर वकीलों का जो पैनल है वो कोर्ट पहुंचा है, और माना जा रहा है कि दोनों तरफ से जो दलीलें हैं वो मजबूत तरीके से रखी जाएंगी। हालांकि जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उन्होंने जज से ये गुजारिश की है कि वो अरविंद केजरीवाल से बात करना चाहते हैं तो उन्हें कोर्ट रूम में बात करने की इजाज़त दी जाए। हालांकि कोर्ट की तरफ से इजाज़त दी गई है, वो अरविंद केजरीवाल से बात कर रहे हैं, और कुछ ही देर में जो एएससी हैं एसबी राजू वो कोर्ट पहुंचेंगे, और उसके बाद जो सुनवाई है वो शुरू होगी, क्योंकि ईडी के जो वकील हैं उन्होंने साफ तौर तो दोनों ही तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जाएंगी। लेकिन आपको बताएं अभिषेक मनु सिंघवी जो बता रहे हैं वो मिलना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल से पेशी होने से पहले, हालांकि इजाजत दे भी दी गई है। अब इसके बाद दोनों ही तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी जाएंगी। लेकिन बहरहाल आपको बताएं राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी, थोड़ी देर में सुनवाई भी शुरू हो जाएगी लगभग, क्योंकि जो सीनियर जज का पैनल है वो पहुंच चुका है इस वक्त कोर्ट में, और फिर ये जो जज हैं यही डिसाइड करेंगे कि आगे क्या होता है, क्योंकि ईडी अब रिमांड पर लेने के लिए आगे बढ़ रही है, मांग करेगी,
और उसके बाद ये पूछताछ लगातार जारी रहेगी, क्योंकि जानकारी ये भी है अगर ईडी रिमांड पर लेती है तो जो के कविता को गिरफ्तार किया गया था उनसे भी आमने सामने बैठा कर पूछताछ की जा सकती है। मामला काफी अब लंबा खिंच सकता है। इससे पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, के कविता पहले से ही जेल में है और तीनों की ही जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। आज के कविता की भी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। वो चाहते हैं कि वो अपने मुवक्किल से बात करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि केजरीवाल से वो कोर्ट रूम के अंदर करें, और जिस तरीके से कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी है उसके बाद वो केजरीवाल से बात कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि जैसे एसबी राजू कोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद जो सुनवाई है उसका सिलसिला शुरू होगा। हालांकि दोनों पक्ष काफी देखिए, जैसे ही यहाँ पे जो सीनियर वकील हैं वो सब पहुंच जाएंगे उसके बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो अब से ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, थोड़ी देर में ही सुनवाई शुरू होने वाली है और उसके बाद आगे का भविष्य नजर आएगा आम आदमी पार्टी का। क्योंकि बड़ी बात यह है क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद अब सरकार किस तरह से चलेगी इसको लेकर अब तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। बहरहाल अभी नजरें कोर्ट पर हैं कि कोर्ट इस पर क्या कुछ कहता है, क्योंकि ईडी रिमांड पर लेने की कोशिश है, मांग यही है कि रिमांड पर लिया जाए अरविंद केजरीवाल को।